अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और जी मैं गई थी लाल किला और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जो है डिनर बुफे है और बहुत ही मज़ा आया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैंने सोचा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जी बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं, पैसा वसूल डिनर बुफे है। लेकिन काफ़ी महंगा है, आम मतलब डिनर बुफे के हिसाब से महंगा है, लेकिन जो इसके प्राइजेज़ हैं वो इस हिसाब से अच्छे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डिशेज़ हैं। यानी कि इसके प्राइस इसीलिए बहुत ज़्यादा रखे गए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी यानी चाइनीज़ के अलावा देसी बारबेक्यू सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आपने वीडियो हाइलाइट्स में देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो को मेरी फुल वॉच करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आपको मैं बताऊँगी कि इस वीडियो के अंदर आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगी लास्ट में आपको कि यहाँ इस रेस्टोरेंट की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि खाना तो आप खाएंगे यहाँ पे अपनी पसंद का, यानी कि अगर चाइनीज़ आपको पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है, पाकिस्तानी पसंद है या सी फूड पसंद है तो वो तो आपने खाना ही है। ज़ाहिर है आप इतने चार्जेस दे के वहाँ पे कर रहे हैं और खाने के। इसके अलावा जो वहाँ पे एक कॉर्नर इन्होंने आजकल बना दिया है फोटू का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आप चाहें तो वहाँ पूरा गेटअप आपको मिल जाएगा, पूरा बादशाह सलामत का आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल वैसा गाउन पहन के और वैसे ही सर पर उनका क्राउन लगा के और आप जो है या पगड़ी पहन के हाथ में तलवार लेके आप जो है फोटोशूट करवा सकते हैं। तो ये व्लॉगर्स के लिए बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई हरकत नहीं की थी। मैंने बस दूर से उसको वीडियो शूट कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा कॉर्नर का उनका सेटअप है। और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तमाम डिशेज़ आप देख रहे हैं, मैंने तमाम टेक्स्ट के साथ आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कौन सी डिश है। जैसा कि ये ड्राई बीफ चिली है और जी ये भी इंजॉय किया हम लोगों ने। जो लोग बीफ के शौकीन हैं वो चिकन से थोड़े से दूर रहते हैं, सब जो कुछ लोग होते हैं वो नहीं इतना ज़्यादा चिकन पसंद करते हैं, तो उनके लिए बीफ के भी आइटम्स थे। और जी ये है पिकिंग चाउमीन और जी बहुत ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को भी। और यहाँ पे बच्चे बड़े सब के लिए मतलब हर एक के लिए तमाम वैरायटी थी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जाएंगे तो आपके बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो भूखे वापस आ जाएंगे, यानी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। खाने के साथ साथ आपको मैं इस रेस्टोरेंट का व्यू भी दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा ऐसे लगता है कि आप रॉयल किंगडम के अंदर आ गए हैं और अब हम हलीम इंजॉय कर रहे हैं। और बस सब एक एक मतलब बाइट लिया था चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कैसा है। बहुत ज़्यादा मज़े का था हलीम, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके तमाम लवाजमा जो लीमू, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मतलब सब कुछ साथ था। और ये दाल मखनी, भाई दाल मखनी जो है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में है थोड़ा सा कम खाई जाती है और कम बनाई जाती है, लेकिन बहुत अच्छी थी ये भी। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं चपली कबाब, और चपली कबाब के साथ साथ मटन हाला नाका, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, मटन, चिकन, सी फूड। तो इसलिए इसके प्राइजेज़ जो हैं वो भी काफ़ी इसी वजह से रखे गए हैं। तो आपको मैं प्राइजेज़ बता दूँ, इसके प्राइजेज़ जो हैं डिनर बुफे के लाल किला के 2990 हैं, यानी तकरीबन 3000 रुपये जो हैं अडल्ट के हैं। इसके अलावा जो किड्स के हैं वो है 1590, यानी कि 1590, यानी कि तकरीबन जो है 1600 रुपये 3 से 7 साल के बच्चों के चार्जेस हैं। इसके बाद जो है 7 साल से बड़ों के वो अडल्ट्स के वो प्राइस चार्ज करेंगे, और 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे देखें पिज़्ज़ा बच्चों का फेवरेट, और जी विंग्स, तो सब कुछ जो जो आप लोगों को पसंद है तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो हमने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था यहाँ पर। और ये है अंडे वाले बर्गर, और बहुत ही छोटे साइज़ के थे, यानी कि ईजीली आप लोग खा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये देखें आप, यहाँ पर मोमोज़ भी हैं भाई। और इसके अलावा स्टेक, सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी ना वो यहाँ पे था, यहाँ का स्टेक मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जो स्टेक हम जो अमूमन जो रेस्टोरेंट वगैरह खाते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी लेवल जो कम होता है वो सॉसेस वगैरह डाल के करते हैं, लेकिन यहाँ का जो बिल्कुल जो है बैलेंस स्पाइस था, जो हमारा पाकिस्तानी टेस्ट है उस हिसाब से, तो स्टेक खाने का जो है ना मज़ा वो हो गया दुबाला।
और ये जी प्लेट जो है रेडी होती जा रही हैं और लोग लेते जा रहे हैं अपनी पसंद की चीज़ें। जिसको बारबी पसंद है वो बारबेक्यू ले रहा है, जिसको रेशमी कबाब पसंद है वो रेशमी कबाब ले रहा है। अच्छा खासा मतलब रश होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली होता है। अगर आप नॉर्मल डेज में भी जाते हैं तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ का डिनर बुफे, तो काफ़ी लोग थे। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ इनका सैलेड बार, और बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी सैलेड बार में। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चटनियाँ, ये देखें ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हर तरह की सैलेड, हुमस और कर्ड, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। जो जो सैलेड आपको, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे सैलेड की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रूटोस सैलेड है। इसके अलावा आपको मतलब जो भी चीज़ें पसंद है, स्वीट कॉर्न है, और ये चना चाट भी है भैया, ज़बरदस्त चना चाट भी आपको दिखाऊंगी। और चने वाली सैलेड भी थी यहाँ पे, और चना चाट की ना मतलब तमाम चीज़ें जो है ना वो भी यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ का आज मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने अपना शेयर किया है आपको डिनर बुफे का। इंशाल्लाह यहाँ का लाल किला का जो लंच है और हाई टी वगैरह वो भी सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ना बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। और इसके साथ साथ जो इसके लवाजमात हैं ना वो भी रखे हुए थे, यानी कि वेफ़र हैं या मार्शमेलो है किसी भी चीज़ के साथ, आप स्टिक के साथ। तो यहाँ से चॉकलेट को आप लोग ले सकते हैं फाउंटेन से और इन्जॉय कर सकते हैं। और जेली शुगर फ्री, यानी कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं तो मीठे से थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन उनका दिल बहुत होता है कि वो मीठा खाएं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत आसानी, यानी शुगर फ्री डिज़र्ट भी रखे गए हैं। अच्छा क्वांटिटी थोड़ी कम थी शुगर फ्री की, मकसद है कि 2 से 3 डिशेस थी सिर्फ शुगर फ्री, बाकी सब जो थी वो चीज़ ऐसी थी जो नॉर्मल लोग खा सकते हैं। लेकिन ये भी था कि ऑप्शन थे तो वो भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मीठा खा नहीं सकते, तो उनके लिए भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। और जी ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से टार्ट और बालूशाही यानी मिठाई और कस्टर्ड पुडिंग, हर तरह की चीज़ें ये देखें, ट्राइफल पुडिंग भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, एक पुडिंग थी और वनीला फ्लेवर में बहुत मज़े की थी। और पेस्ट्रीज़ तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा चॉकलेट फज जो केक था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत यम्मी था, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, यानी इतनी सादा वैरायटी होती है बुफे में, तो बस थोड़ा थोड़ा सा हमने ले लिया जितना हम खा सकते थे, और बस भी इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। तो बस काफ़ी चीज़ें हमने सिर्फ देख के इक्तफा किया और उनको बिल्कुल हमने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि पेट में जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये देखें ये है चॉकलेट फज केक, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया, इसे मैंने ज़रूर ट्राई किया था। इसके अलावा चॉकलेट मूस, और ये भी बहुत अच्छा था चॉकलेट जो मूस था, और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वैसे पसंद होता है चॉकलेट मूस। के अलावा जो है शाही टुकड़े, भाई शाही टुकड़े भी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी थी स्वीट डिशेस की। तो जो लोग मतलब काफ़ी शौकीन हजरात हैं, जो खाने का काफ़ी शौक़ रखते हैं, तो वो लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसके अलावा डोनट्स हैं और फिल्ड डोनट्स हैं, ऐसा नहीं था कि वो सिंपल डोनट्स थे, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखें ये फिल्ड डोनट्स हैं और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखें क्रीम फिल हुई हुई, और बहुत ज़्यादा मज़े के थे ये भी, तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें आप लोग बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो जो भी आपको पसंद है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा सैलेड बार के अंदर ही ये तमाम जो स्वीट आइटम्स हैं ये भी रखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ें क्योंकि बिल्कुल फ्रीज चीज़ें हैं यहाँ पर, तो अच्छी फ्रेश चीज़ें हैं और यहाँ पे जो हैं आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अब जो मैंने खाने हैं ना वो है यहाँ के गोलगप्पे, तो यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनका जो पानी है वो 6-7 फ्लेवर्स का पानी इनके पास। तो मैंने जो ट्राई किया था, मैंने पाइनएप्पल ट्राई किया था, इसके अलावा जो है खाने की बिल्कुल जगह नहीं थी पेट में, तो इसलिए बस ज़्यादा फ्लेवर में ट्राई नहीं कर सकी। लेकिन जो खट्टा पानी था, इमली वाला पानी, वो 1-2 फ्लेवर मैंने ट्राई किए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और आम अमूमन जो है ये पानी हमें जैसा आमतौर पर यहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो फ्लेवर जितने भी थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और आपको बस अब लास्ट में दिखा रही हूँ, ये है फोटो पॉइंट जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट में आपसे कह रही थी कि फोटो पॉइंट दिखाऊंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, अल्लाह फिर।